नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 50A Prime vs Infinix Note 11S का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 50A Prime में 6.47 इंच जबकि Note 11S में 6.8 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 50A Prime में 2.98 इंच जबकि Note 11S में 3.08 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 50A Prime में 0.32 इंच जबकि Note 11S में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि 50A Prime से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 50A Prime में 192.5 ग्राम जबकि Note 11S में 212.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि 50A Prime से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 50A Prime में 20:9 जबकि Note 11S में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 50A Prime में 6.6 इंचेस जबकि Note 11S में 6.95 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 50A Prime में 1080x2408 और Note 11S में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 50A Prime में 84.62% जबकि Note 11S में 85.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 50A Prime में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Note 11S में 387 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 50A Prime में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Note 11S की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 50A Prime में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Note 11S की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 50A Prime में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Note 11S में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 50A Prime में Mali G57 MP1 जबकि Note 11S में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 50A Prime में Unisoc T612 और Note 11S में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो 50A Prime में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB की RAM मिलती है जबकि Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 50A Prime में अप टू 1TB जबकि Note 11S में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 50A Prime में 2 कलर्स जबकि Note 11S में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 50A Prime में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नोट 11S की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme Narzo 50A Prime में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Note 11S की तो उसमें 8 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नोट 11S आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Xiaomi Redmi 10A है, तीसरा Realme C21Y है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y21A है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।